Hi everyone. Good morning all of you. I am Dharmendra sir. 9th class में हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं. नंबर सिस्टम में टाइप ऑफ द नंबर हम लोग पढ़ चुके हैं प्रीवियस वीडियो में. अब हम लोग इस वीडियो में उससे रिलेटेड कुछ सम सॉल्व करेंगे और कुछ एग्जांपल हम लोग सॉल्व करेंगे. तो आते हैं, कुछ एग्जांपल हम लोग लेते हैं. फर्स्ट एग्जांपल है इज जीरो अ रेशनल नंबर, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म P upon Q, where P and Q are integers and Q not equal to zero. हमें ये बताना है कि जीरो रेशनल नंबर है कि नहीं. क्या उसे हम P upon Q के फॉर्म में लिख सकते हैं? हम बोल सकते हैं सोल्यूशन में कि S जीरो इज ए रेशनल नंबर. इट कैन बी रिटेन एज जीरो अपॉन वन, जीरो अपॉन टू, जीरो अपॉन थ्री. हम जीरो को पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख रहे हैं. हमारा कंडीशन है कि रेशनल नंबर क्या होना चाहिए? पी अपॉन क्यू के फॉर्म में होना चाहिए, क्यू जीरो नहीं होना चाहिए. देखिए यहां पर क्यू जीरो नहीं है. क्यू क्या है? वन है, टू है, थ्री है. तो वेयर डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू जीरो, इट कैन बी निगेटिव आल्सो. निगेटिव हो सकता है लेकिन जीरो नहीं हो सकता है. तो ये आपको समझ में आया कि हम जीरो को रेशनल नंबर बोल सकते हैं. एग्जांपल नंबर टू देखते हैं. फाइंड फाइव रेशनल नंबर्स बिटवीन थ्री अपॉन फाइव एंड फोर अपॉन फाइव. तो थ्री अपॉन फाइव एंड फोर अपॉन फाइव, ये दो रेशनल नंबर के बीच में हमें कितने रेशनल नंबर फाइव करना है? फाइव रेशनल नंबर. देखिए हम सोल्यूशन देखते हैं. रेशनल नंबर बिटवीन आर एंड एस, मतलब आर एंड एस एक जनरल रेशनल नंबर है. इज क्या होता है? आर प्लस एस अपॉन टू. मतलब एक ये बेसिक फॉर्मूला हो गया कि आर प्लस एस अपॉन टू रेशनल नंबर का फॉर्मूला हो गया. कि रेशनल नंबर को डिफाइन करना हो तो हम आर प्लस एस अपॉन टू, और आर वेयर आर एंड एस क्या होना चाहिए? रेशनल नंबर होना चाहिए, जो कि हम पहले से बोले कि आर एन एस रेशनल नंबर है. अब देखिए यहाँ कभी आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है. बुक में ए अपॉन बी लिखा है, ए अपॉन बी, ए प्लस बी अपॉन टू, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. आर प्लस एस अपॉन टू हो या ए प्लस बी अपॉन टू, वहां रिप्रेजेंट करेंगे ए एंड बी आर रेशनल नंबर. तो हमने यहाँ आर एन एस को रेशनल नंबर बताया और आर प्लस एस अपॉन टू हो गया. बुक में ए एंड बी को रेशनल नंबर बताया है तो ए प्लस बी अपॉन टू कोई प्रॉब्लम नहीं है. अब आते हैं इस फॉर्मूला के हेल्प से हम कैसे रेशनल नंबर फाइंड करेंगे. तो फर्स्ट रेशनल नंबर के लिए बोलते हैं, अगर यह दिया है कि अ रेशनल नंबर बिटवीन थ्री अपॉन फाइव एंड फोर अपॉन फाइव, तो सेम यही फॉर्मूला लगाएंगे आर प्लस एस अपॉन टू. तो देखिए ब्रैकेट के बाहर हमने वन अपॉन टू लिखा है, ब्रैकेट के अंदर आर को रिप्लेस किया थ्री अपॉन फाइव से, और प्लस और एस को हमने रिप्लेस किया फोर अपॉन फाइव से. दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो थ्री और प्लस फोर को मैंने ऐड कर दिया तो कितना सेवन. दोनों इसका एलसीएम फाइव, इन फाइव का एलसीएम फाइव होगा, फाइव में टू का मल्टीप्लाई किया तो सेवन अपॉन टेन आ गया, मतलब फर्स्ट रेशनल नंबर आ गया. अब इस फर्स्ट रेशनल नंबर टेन, सॉरी सेवन अपॉन टेन है, इस फर्स्ट रेशनल नंबर को हम थ्री अपॉन फाइव एंड फोर अपॉन फाइव के साथ सिलेक्ट कर सकते हैं, या तो हम थ्री अपॉन फाइव को सेवन अपॉन
10 को ले सकते हैं या 7 अपॉन 10 को 4 अपॉन 5 के साथ ले सकते हैं। तो अगर सेकेंड रेशनल नंबर फाइंड करना है तो एंड रेशनल नंबर बिटवीन किसके 3 अपॉन 5 एंड 7 अपॉन 10। 1 अपॉन 2 को हमने बाहर लिया इन ब्रैकेट 3 अपॉन 5 प्लस 7 अपॉन 10, फिर 5 और 10 का एलसीएम 10 होगा। यहां पे इस रेशनल नंबर को डिनोमिनेटर 10 करने के लिए ऊपर नीचे 2 का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 6 अपॉन 10, दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा। तो 6 प्लस 7 को ऐड करेंगे 13, 13 अपॉन 10 इंटू 2 कर देंगे तो 20 हो गया। तो इस तरह से ये नंबर आ गया 13 अपॉन 20, एक न्यू रेशनल नंबर ए भी आ गया। तो सिमिलरली हमें 3 अपॉन 5 एंड 4 अपॉन 5 में बाकी रेशनल नंबर निकालना है। तो देखिए 5 अपॉन 8, 27 अपॉन 40, 31 अपॉन 40, ये आपका रेशनल नंबर हो गए बिटवीन 3 अपॉन 5 एंड 4 अपॉन 5। सो फाइव रेशनल नंबर बिटवीन बिटवीन मीन्स 3 अपॉन 5 एंड 4 अपॉन 5 में से कौन आ गया 5 अपॉन 8, 13 अपॉन 20, 7 अपॉन 10, 31 अपॉन 40 एंड 27 अपॉन 40। तो इस तरह से हमने 3 अपॉन 5 एंड 4 अपॉन 5 में 5 रेशनल नंबर डिफाइन किए। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड मींस एग्जांपल नंबर थर्ड। फाइंड द 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। 3 एंड 4 में हम 6 रेशनल नंबर निकालते हैं। तो इस सेम फार्मूला वही लगाएंगे, मेथड नंबर 1 लिखते हैं इसको। वी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम इन टू वे। इस प्रॉब्लम को हम दो तरीका से सॉल्व कर सकते हैं। मेथड नंबर फर्स्ट मेथड, मेथड नंबर 1, अ रेशनल नंबर बिटवीन आर एंड एस इज आर अपॉन एस आर प्लस एस अपॉन 2। तो ये फर्स्ट मेथड है। फर्स्ट मेथड के हेल्प से हम रेशनल नंबर का फॉर्मूला क्या हो गया, अ रेशनल नंबर बिटवीन आर एंड एस इज आर प्लस एस अपॉन 2। तो इस मेथड से हम पहले 4 एंड 5 के बीच में 5 की 6 रेशनल नंबर निकालना है। देयर फोर अ रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4 इक्वल टू 1 अपॉन 2। ये देख रहे हैं आपको 1 अपॉन 2 ब्रैकेट से बाहर है। अब ब्रैकेट के इन साइड में देखिए 3 प्लस 4 मीन्स 3 r के प्लेस पे है प्लस 4 किसके प्लेस पर s। तो r प्लस s अपॉन 2 होता है वही 1 अपॉन 2 इन ब्रैकेट 3 प्लस 4 इक्वल टू 7 अपॉन कितना आया 2। अब 7 अपॉन 2 और 3 और 4 में से हम 3 और 4 में से कोई एक नंबर सेलेक्ट कर सकते हैं और एक 7 अपॉन 2 ले सकते हैं। तो हमारा थर्ड रेशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं। फर्स्ट फाइंड किया तो सेकेंड रेशनल नंबर हम फाइंड कर सकते हैं। अ रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 7 अपॉन 2। तब फिर हमने 1 अपॉन 2 ब्रैकेट लगा सकते हैं, यहाँ ब्रैकेट नहीं लगाए, यहाँ ब्रैकेट लगाना चाहिए था। 6 प्लस 7 अपॉन 2, 6 प्लस 7 13 और 2 इंटू 2 4, तो यहाँ हो गया 13 अपॉन 4। वी कैन अकॉर्डिंगली प्रोसीड इन दिस मैनर टू फाइंड 3 मोर रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। तो हम 3 एंड 4 के बीच में इस तरह से हम रेशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं। हेंस 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4 आर 15 अपॉन 8, 13 अपॉन 4, 27 अपॉन 8, 7 अपॉन 2, 29 अपॉन 8 एंड 15 अपॉन 4। ये तो फर्स्ट मेथड हुआ। आते हैं हम सेकेंड मेथड, सेकेंड मेथड देखते हैं। ये सेकेंड मेथड है। सिंस वी वांट 6 नंबर्स, सिक्स नंबर वी राइट 3 एंड 4 एज ए रेशनल नंबर
विथ डिनोमिनेटर 6 प्लस 1 दैट इज 6 प्लस 1 दैट इज। अब देखिए 3 को हमने क्या लिख दिया, 3 में 6 प्लस 1 7 होता है, और 7 को हमने कहां लिखेंगे डिनोमिनेटर में, पहले 3 में 7 को मल्टीप्लाई किया तो 7 3 जा 21 अपॉन डिनोमिनेटर में 7, और 4 में 7 के मल्टीप्लाई किया तो 7 इंटू 4 कितना 28 अपॉन 7, तो ये कितना आया 28 अपॉन 7 और इधर 21 अपॉन 7, तो 21 अपॉन 7 और 28 अपॉन 7 इन दोनों नंबर के बीच में हम 6 रेशनल नंबर लिख सकते हैं, क्योंकि हमने कौन सा मेथड अपना दिया, इसके दोनों नंबर के डिनोमिनेटर को हमने इक्वल कर दिया, दोनों नंबर के डिनोमिनेटर कितने हैं 7 है और 7 है, तो इस तरह से देन वी कैन चेक द 22 अपॉन 7, 23 अपॉन 7, 24 अपॉन 7, 28 अपॉन सॉरी 25 अपॉन 7, 26 अपॉन 7 एंड 27 अपॉन 7 आर ऑल बिटवीन 3 एंड 4, 3 एंड 4 के बीच में ये सारे रेशनल नंबर हमने लिख दिया, तो हेंस द 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4 आर दिस नंबर, आपको दिख रहा है ना 22 अपॉन 7, 23 अपॉन 7, 24 अपॉन 7, 27, 26, 25 अपॉन 7, 26 अपॉन 7 एंड 27 अपॉन 7, तो इस तरह से हमने सेकेंड मेथड भी आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर को हम डेसिमल रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं ये हम लोग देखते हैं। तो एक हम लोग रेशनल नंबर लेते हैं, ये हमारा रेशनल नंबर है एक्सप्रेस, एग्जांपल के तौर पर हम लोग एक्सप्रेस करते हैं, एक्सप्रेस 7/8 इन द डेसिमल फॉर्म बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। ये 7/10 एक रेशनल नंबर है, इसको हम क्या करते हैं कि डेसिमल फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। तो सॉल्यूशन वी हैव 8 डिवीजन के सिंबल लगा दिए आपने, जो कि इस तरह के डिवीजन लॉन्ग डिवीजन मेथड बोलते हैं। ये आप 3 क्लास से ही सिखाया जाता है सारे लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो हमने 8 को 7 से डिवाइड कर रहा हूं, तो 8 7 से डिवाइड नहीं करेगा तो कोशेंट में 0 पॉइंट, हमने 0 पॉइंट लगाया, कोशेंट में पॉइंट लगाया, ये क्या हो गया 70 हो गया। तो 78 के टेबल में आता है, 78 के टेबल में एग्जैक्टली नहीं आएगा लेकिन उसके पास के नंबर आएगा, उससे ज्यादा के नंबर आएगा। तो 8 को हम एक बार पढ़ेंगे, 8 8 64, तो यहाँ लिखा कोसेंट में 0.8 64, अब 70 हो गया, ये 70 हो गया तो इधर 0 है, क्या 0 में 4 को माइनस कर सकते हैं, नहीं, तो इसे कैरी लेंगे तो 10 होगा, 10 में 4 का माइनस करेंगे तो कितना हो गया 6, और ये 6 माइनस 6 0, तो अब 6 को हम 8 से डिवाइड कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, तो फिर ऊपर से हमने 0 कैरी लिया थे 60 हो गया, अब 60 को हो गया तो हम 8 का टेबल 7 टाइम पढ़ेंगे तो 8 7 जा 56 होता है, फिर इसने इसे कैरी लिया, कोसेंट में हमने 7 लिखा, फिर इसने कैरी दिया 10 हो गया, 10 में से 4 6 माइनस किए तो 4 हो गया, 5 में 5 माइनस किए तो 0 हो गया, तो ये हो गया 40, तो अब हमारे पास कितना आ गया है 40 आ गया। अब हम 8 के टेबल कितना बार पढ़ेंगे तो यहाँ पर 40 आ जाएगा, तो 8 के टेबल अगर हम 5 टाइम पढ़ेंगे तो वहां पर 40 होगा, तो 5 8 जा 40, ये आपका हो गया 40, यहां भी 40 है यहां भी 40, दोनों को माइनस किए तो 0 हो गया, तो ये हमारे पास कितना आ गया 0.875, ये हमारा कोसेंट आ गया। हमारे पास क्या था 7/8, ये रेशनल नंबर है, इस रेशनल नंबर को हम किस में कन्वर्ट करती है डेसिमल नंबर में, जो कि डेसिमल नंबर आपको दिख रहा है 0.875, तो हम रेशनल नंबर को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट किए बाय विच मेथड, लॉन्ग डिवीजन मेथड के हेल्प से, हमने लॉन्ग डिवीजन मेथड के हेल्प से रेशनल नंबर को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट किए। आगे नेक्स्ट वीडियो में और हम एग्जाम्पल लेंगे और उस पर कैसे कन्वर्ट करेंगे डेसिमल नंबर को रेशनल नंबर को डेसिमल नंबर में, हम लोग एक दो एग्जाम्पल लेकर
और अच्छे से कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।